इस वक्त अगर देखा जाए तो एक चीज जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है इन 2027, यानी आज से एग्जैक्टली 5 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बाद, या शायद उससे पहले, अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। गाइस अगर देखा जाए तो अमेरिका हर फील्ड के अंदर इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए आ रहा है। चाइना अभी भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर मौजूद है। आज रिपोर्ट आई है 5 साल में हम छोड़ देंगे जर्मनी और जापान को पीछे। चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनका लॉकडाउन हो गया है, चेन सप्लाई उनकी डिस्टर्ब हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन उनकी। सो अभी उनकी इंडिया में ज़्यादा वो मूव कर रहे हैं, वो कुछ उनकी अपनी रीजंस हैं। एक तो उनका इंडिया को जो है वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। चाइना भी रिसेशन में ऑलमोस्ट जा चुका है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक रिवर्स हो गया है 2.3%। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो सदारत है वो हिंदुस्तान के पास आ गई, उसका नेतृत्व भारत के पास आ गया। ये तीन कौन सी है? G20, दूसरा आपका है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल, और तीसरा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। इसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं ना, इस कार्टून से कौन मिलने आएगा? इन कार्टून से वर्ल्ड जो है उन पे इतबार करती है और हमें कोई पूछता नहीं। ये जो एक JP Morgan की रिपोर्ट आई है उसने इसको वैलिडेट किया है, और इसका इसके और भी इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह इस रिपोर्ट को कवर कर देंगे। आज की लेटेस्ट न्यूज़। इस वक्त अगर देखा जाए तो एक चीज जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है इन 2027, यानी आज से एग्जैक्टली 5 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बाद, या शायद उससे पहले, तो क्योंकि हैरानगी थी कि चलें ठीक है, 5वीं इकोनॉमी तो बन चुका है ऑलरेडी, UK को क्रॉस किया है अभी कुछ महीने पहले, अब अगर थर्ड बनता है तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। ये बताइएगा कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, क्योंकि हम डिफेंस के हवाले से भी बात करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी, लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो डिफेंस तो मेरे ख्याल फिर हो ही जाता है, क्योंकि जेब में पैसा होता है तो आप जो मर्जी खरीद ले, जो मर्जी बना लें। देखिए फगर भाई, अब ये जो आज रिपोर्ट आई है, ये अगर आपको याद हो आपके शो पे पहले भी बात कर चुके, तो मैंने बोला था फगर भाई करीब 5 साल में हम छोड़ देंगे जर्मनी और जापान को पीछे। अब ये तो खैर मेरा एनालिसिस था, आप जानते हैं मैं इधर उधर काफी जगह से जी बिल्कुल देखता रहता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशंस लगाता हूँ मुझे कब लगता है, बट आज ये जो एक JP Morgan की रिपोर्ट आई है उसने इसको वैलिडेट किया है, और इसका इसके और भी इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह इस रिपोर्ट को कवर कर देंगे। आज की लेटेस्ट न्यूज अभी नेशनल टीवी पे डिबेट थी इसी सब्जेक्ट पे थी। तो अभी क्या फकर भाई, देखिए हुआ क्या है, देखिए अगर आप इकोनॉमिक आउटलुक देखें, जर्मनी का -0.3 है, ठीक है, जापान का 1.6 है, पूरा यूरोप ऑलमोस्ट रिसेशन में, अमेरिका का रिसेशन में जाना 90% श्योर है, और चाइना भी रिसेशन में ऑलमोस्ट जा चुका है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक रिवर्स हो गया है 2.3%। चाइना की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा लफड़ा है, देखिए रियल एस्टेट हैज फेल्ड, आपका बुलेट ट्रेन से फेल्ड, नेक्स्ट टू अनाउंस बैंकरप्सी वुड बी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर में दो चीजें हुई, एक तो जो मशीन जो सेमीकंडक्टर चिप्स जिस पे बनते थे वो बंद हो गई, और इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनाना भी बंद हो गए। अब वो सारी मैन्युफैक्चरिंग